सो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आई होप यू ऑल अच्छे होंगे। दोस्तों तो दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे थे दोस्तों कि कुछ अलग वीडियो लाओ, तो आज मैं कुछ करने वाला हूँ स्क्रबर इस भाई का। ठीक है, तो आप लोग देखिए कैसे किया जाता है स्क्रबर इस भाई का। ठीक है, तो फेशियल मैं करने वाला हूँ इस भाई का। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिए, चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फुल स्टेप ट्यूटोरियल के साथ आपको दिखाने वाला हूँ कैसे किया जाता है स्क्रबर फेस। स्क्रबर कैसे किया जाता है आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, स्किप कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वाटर छिड़क देंगे दोस्तों फेस। तो ये सबसे बेस्ट है एवरी यूथ का जो कि स्क्रबर में मैंने मंगवाया है, तो आज मैं करने वाला हूँ इसका। दोस्तों कैसे किया जाता है स्क्रबर आप लोग इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो इस तरह आपको लगा लेना होगा आपको स्क्रबर, और इसमें वाटर नहीं डाल, मतलब वाटर नहीं लगाना है, गुलाब जल लगाना है फेस पे। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से डस्ट वगैरह और फेस में लाइट आए और पिंपल ना ही आए, इसी वजह से स्क्रबर किया जाता है दोस्तों। चलिए आप लोग, ये वीडियो उन्हीं लोग के लिए जो दोस्तों सैलून में काम सीखना चाहते हैं स्क्रबर कैसे किया जाता है, आप लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों ये गुलाब जल है जो कि मैं लगा ले लेता हूँ हाथ पे थोड़ा सा, उसके बाद मसाज करेंगे। और आगे मत पढ़ते थे ना गुलाब जल मुझे बोलता है हल्दी सब लपेट के लगा। और गैस ये स्क्रबर, इसको आराम हल्का हल्का से इसको मसाज करना है। ठीक है, ज़्यादा दबाव से मत कीजिएगा ताकि स्किन में जो है जलन दे बाद में कस्टमर को। तो इसी तरह से आपको करना होगा, आप देख रहे हैं दोस्तों इस तरह से हल्का हल्का। बिल्कुल आराम आराम से करना है दोस्तों, ज़्यादा दबाव जैसे जैसे किया जाता है वैसे नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें दाना होता है इसमें, तो इसमें स्किन को ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, इसलिए रगड़ाव जो होता है इसको आराम आराम से हल्के हल्के से, और सूखने नहीं देना है दोस्तों। दो तीन बार इसको गुलाब जल में लगा के इसको मसाज करते रहना पड़ेगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए कैसे किया जाता है। सूख रहा है दोस्तों, फिर से गुलाब जल में इसी तरह से आपको मसाज करता है, कोई टेंशन जो है हड़बड़ी में नहीं बनाना है इसको स्क्रबर को। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं सेम इसी तरह से आराम से करना है आपको, और ये स्क्रबर आपका 8 से 9 मिनट रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है स्क्रबर, जैसे कि मैं इस भाई का कर रहा हूँ। तो दोस्तों स्क्रबर करने से फायदा यह है दोस्तों कि डस्ट वगैरह हट जाता है, पिंपल भी हट जाता है, फुंसी वगैरह जो भी आता है काफ़ी हद तक से वो दूर हो जाता है, और फेस में जो स्किन लाइट स्किन जो है काफ़ी समय तक ग्लो करते रहता है हमारे फेस में। ठीक है, तो इसका यह बेनिफिट है दोस्तों। तो फिर सूख गया दोस्तों, और ये तीसरा बार है।
तो दोस्तों इसी तरह से आपको करना है। राम राम से, कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, राम राम से इसको फिर ऐसे करना है। कोई जल्दबाजी नहीं है दोस्तों, आँख में जितना भी डस्ट होता है इसे हम हटा देंगे। दोस्तों आप लोग शुरू से लास्ट तक देखते ही जाइए कैसे मैं कर रहा हूँ, देखिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। जिसे ऐसे मैं कर रहा हूँ आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर सूख गया, थोड़ा सा और ले लेंगे, थोड़ा सा और स्क्रबर ले लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखते जाइए किस तरह से मैं कर रहा हूँ स्क्रबर, किस तरह से आपको करना है। ऐसे करना ऊपर और नीचे, गर्दन में भी थोड़ा साफ कर देंगे दोस्तों, ताकि गर्दन में भी बहुत सारा डस्ट वगैरह रहता हुआ जमा तो साफ हो जाए। दोस्तों फाइनली हो चुका है इस वेट मसाज, तो सेम इसी तरह से आपको करना है दोस्तों, ठीक है। और इसको स्क्रबर हटाने के लिए आपको आसान तरीका मैं बताऊंगा किस तरह से हटाया जाता है। तो दोस्तों इसमें जितना डस्ट वगैरह बैठा हुआ है वो निकालने के लिए और इसके लिए धागा यूज कर रहा हूँ, जो कि जैसे तो साफ हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी डस्ट निकल रहा है इसको ऐसे। और सॉफ्ट हो जाएगा इसके बाद बेड। तो गाइस देख सकते हैं इस तरह से हटाएंगे। साफ कर देंगे दोस्तों,
तो दोस्तों पानी अच्छे तरह से आपको फेस पे भिंगा लेना है और फिर से हल्का सा मसाज कर लेना है, उसके बाद अच्छे से पोंछ देना होगा, उसके बाद फाइनली हो जाएगा दोस्तों। कि आई होप यू आप लोग वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। तो अच्छे तरीके से पोंछ लीजिएगा। सो गाइस फाइनली हो चुका है इस भाई का, काफ़ी हद तक का डस्ट वगैरह ऑयली फेस और साफ हो गया है, और कुछ हद पे इसका फेस पे जितना भी है डार्क सर्कल वो हट जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो बाद, बाय बाय।